न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड गल्ला मंडी में चर्च के प्रमुख पादरी एबी सिंह के नेतृत्व में गुड फ्राइडे को लेकर चर्च में प्रभु यीशु के लिए आराधना की गई। वह मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वह मेरे गुनाह का है इत्यादि गीतों को गाकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना की। उपस्थित सभी लोगों ने प्रभु के वचनों पर चलने का वादा किया एवं अपने अपने गुनाहों से पश्चाताप कर प्रार्थना की। कार्यक्रम का संचालन पादरी प्रदीप सिंह द्वारा किया गया। सुबह से ईसाई समाज के लोगों ने चर्च में आना शुरू कर दिया एवं एकत्रित होकर आराधनाएं प्रारंभ की। सभी ईसाई समाज के लोगों ने प्रभु यीशु की महिमा मंडल किया। पादरी प्रदीप सिंह ने कहा कि हर खुशी मिली तुझ में ए मसीह, जब से दिल में तू है आया एवं मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा एवं जो क्रूस पर कुर्बान है वह मेरा मसीहा है। इस अवसर पर चर्च के प्रमुख पादरी एबी सिंह, पादरी प्रदीप सिंह, पादरी इंद्र कुमार दास, कल्पना सिंह, अनुरोध सिंह लोग मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। आपके और मेरे पापों के कारण यीशु ने अपना लहू कटोरे को उसने उठा, कटोरे को उसने उठा, मेरे लहू में बचा, मेरे लिए क्या नाम है आपका? पादरी एबी सिंह। आज क्या कार्यक्रम किया आपने? आज गुड फ्राइडे का हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने जो हम सबको कलवरी क्रूस से एक प्रेम का संदेश, हमारे जीवन में जो पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले वचन में कहा था, अपने यातना देने वाले के लिए, तकलीफ देने वाले के लिए यह पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। ऐसा वचन केवल वही दे सकता है जो हमसे प्रेम करता है, सारे जगत से प्रेम करता है। उसने प्रेम की खातिर अपना लहू बहाया, अपना रक्त बहाया और हम पापियों के लिए उसने एक जीवन कलवरी क्रूस पर जो लहू बहाया वो लहू हमारे लिए जीवन का जीवन बन गया। ईसाई समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? शायद समाज के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि हम एक दूसरे से मेलो मिलाप करते हुए प्रेम का संदेश है, एक दूसरे से प्रेम करें। आज जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में प्रेम का संदेश दिया है, पर वही संदेश सारे जगत के लोगों को, तमाम उन लोगों को भी जो प्रभु यीशु मसीह से आए दिन नफरत करते हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं, मैं उनके लिए प्रेम का संदेश देना चाहूँगा कि वे भी एक दूसरे से प्रेम करें क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और परमेश्वर ने हमसे हमको सिखलाया है कि हम प्रेम करें।